चलिए दोस्तों एक बार फिर से जान लेती हूँ उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और ताज़ा बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा नगर निकाय चुनाव। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, ओबीसी पर घरियाली सहानुभूति दिखा रही बीजेपी, दलितों का आरक्षण भी छीनेगी अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बर्फीली हवाओं से गलन ठिठुरन का कहर शुरू, उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। बीजेपी जो तीर बिहार में नीतीश पर चलाती थी उसी के निशाने पर आई योगी, निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण पर फंसी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शादियों में पटाखे और डीजे हुआ तो मौलवी नहीं पढ़ाएंगे निकाह, उलेमाओं का सर्वसम्मति से फैसला। कोरोना मॉक ड्रिल ने खोली पोल, कहीं कंसंट्रेट तो कहीं ऑक्सीजन प्लांट ही मिले खराब। सीतापुर में एक ही कॉलेज की 3 छात्राओं ने दी जान, दोनों की सुसाइड की कोशिश, अग्निवीर के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा था फौजी। कानपुर हिंसा में भी सपा विधायक इरफान सोलंकी की भूमिका, तलाश रही पुलिस, फंडिंग को लेकर जाँच। यूपी में ठंड और कोहरे का कहर, जमीन से आसमान तक यातायात ध्वस्त, 67 ट्रेनें 8 घंटे तक लेट। पूरे प्रदेश के 3 लाख बच्चों को मिलेगा मॉडल कंपोजिट स्कूलों का लाभ। यूपी निकाय चुनाव फैसले पर मायावती का बीजेपी पर हमला, गलती की सजा देगी ओबीसी समाज। वाराणसी प्रयागराज समेत कुल 58 जिलों में बनेंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, मिलेंगी ये सुविधाएं। किसानों को सिंचाई के लिए पैसा दे रही यूपी सरकार, उठाएं फ्री बोरिंग योजना का लाभ। यूपी की पहली मुस्लिम पायलट सानिया मिर्जा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, सीएम ने दी उज्जवल भविष्य की बधाई। बगैर ओबीसी आरक्षण यूपी निकाय चुनाव उचित नहीं, अनुप्रिया की पार्टी अपना दल जाएगी सुप्रीम कोर्ट। धर्म बदलने वालों को एसटी का दर्जा मिलेगा या नहीं, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। राहुल गांधी को भगवान राम और योगी बताने पर भड़की भाजपा, बताया चाटुकारिता की पराकाष्ठा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सलमान खुर्शीद को दी इलाज की नसीहत, सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बोले क्या, आखिर दिन बीजेपी के यूटर्न से बेचैन हुई आप, इन पदों पर कब्जे के लिए यह है भाजपा का प्लान। G20 देशों के प्रतिनिधिमंडल के लिए बदलेगी ताज नगरी की सूरत, सजेंगी सड़कें, सवरेंगे चौराहे। बिना मोबाइल नंबर लिंक कराए डाकघर में नहीं होगा कोई काम, 30 मार्च तक का है समय। पीएम मोदी के भाई की मर्सिडीज का एक्सीडेंट, प्रहलाद मोदी समेत परिवार के 4 लोग घायल, पोते का पैर टूटा, कार का अगला हिस्सा चकनाचूर। यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा नगर निकाय चुनाव, हाईकोर्ट के फैसले के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के फैसले पर कह दिया है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिपेक्ष में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी, इसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को कराया जाएगा। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि यदि आवश्यकता हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। ओबीसी पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही बीजेपी, दलितों का आरक्षण भी छीनेगी अखिलेश ने कहा। जिया बताने की यूपी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले ने योगी सरकार पर निशाना साधती और हमले का नया मौका विपक्ष को दे दिया है। बताने ओबीसी को लेकर लगातार सरकार पर कई आरोप लगाई जा रही है, सपा ने अब दलितों को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया है कि ओबीसी का आरक्षण छीनने के बाद भाजपा दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। अखिलेश के साथ ही चाचा शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। मेरठ में मुस्लिम शादियों में पटाखे और डीजे हुआ तो मौलवी नहीं पढ़ाएंगे निकाह, उलेमाओं का सर्वसम्मति से फैसला। जी हां बता दें कि मुस्लिम शादियों में आतिशबाजी और नाच गाने पर अंकुश लगाने की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। बता दें कि एक बार फिर से किठौर और आराधना के बाद अजराड़ा में भी उलेमाओं और बिरादरी के गणमान्य लोगों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से शादियों में डीजे और आतिशबाजी पर पाबंदी का फैसला लिया गया है। साथ ही कहा गया है कि शादी में डीजे बजा अथवा आतिशबाजी हुई तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। कानपुर हिंसा में भी सपा विधायक इरफान सोलंकी की भूमिका, तलाश रही पुलिस, फंडिंग को लेकर जांच। जी हां बताने की सपा विधायक इरफान सोलंकी को 8 मुकदमे में आरोपी बनाने के बाद पुलिस अब कानपुर हिंसा में कनेक्शन तलाश रही है। पुलिस के शक है कि कानपुर हिंसा के लिए फंडिंग में विधायक की भूमिका भी रही है, हालांकि इसे कोई पुख्ता सबूत अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं।
यूपी ठंड में कोहरे का कहर, जमीन से आसमान तक यातायात ध्वस्त, 67 ट्रेनें 8 घंटे तक लेट। जी हाँ, बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर इस कदर पड़ा गया है कि सड़क से लेकर हवाई मार्ग तक यातायात ध्वस्त हो गया है। दोस्तों बता दें कि दिल्ली मुंबई रूटों से श्रम शक्ति सवर्ण शताब्दी सहित 67 ट्रेनें 1 से 8 घंटे तक लेट गई। उत्तर प्रदेश के 30 लाख बच्चों को मिलेगा मॉडल कंपोजिट स्कूलों का लाभ। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के लगभग 5,700 मॉडल स्कूलों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अलग अलग लैब समेटा स्मार्ट क्लास व डिजिटल कंप्यूटर लैब भी होगी। अगले वर्ष से ऑपरेशन कायाकल्प का दूसरा चरण शुरू होगा और इसमें कंपोजिट मॉडल स्कूलों का निर्णय लिया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान ने इस संबंध में कार्य योजना तैयार कर ली है, इससे 30 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। यूपी निकाय चुनाव फैसले पर मायावती का बीजेपी पर हमला, गलती की सजा देगी ओबीसी समाज। जी हां, बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आए फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगी। वाराणसी प्रयागराज समेत 58 जिलों में बनेंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, मिलेंगी ये सभी सुविधाएं। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। अपर परिवहन आयुक्त परिवर्तन की ओर से मिले पत्र के बाद एआरटीओ ने ड्राइविंग सेंटर बनवाने की कवायद शुरू कर दी है। ट्रेनिंग सेंटर बनवाने वाले इच्छुक व्यक्ति के साथ ही जमीन भी देखी जा रही है। पीएम मोदी के भाई की मर्सिडीज का एक्सीडेंट, प्रहलाद मोदी समेत परिवार के 4 लोग घायल, पोते का पैर टूटा का अगला हिस्सा चकनाचूर। जी हां दोस्तों, बता दें कि अभी अभी बड़ा हादसा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की मर्सिडीज कार का कर्नाटक में एक्सीडेंट हो गया है। हादसे में प्रहलाद मोदी की पोते का पैर फ्रैक्चर हो गया है। वहीं प्रहलाद मोदी समेत परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। प्रहलाद मोदी के साथ है परिवार के सभी को इलाज के लिए मैसूर के जेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।